बंगाल विलय, बंगाल विलय के बारे में पढ़ेंगे हम, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, बंगाल के छोटे छोटे पॉइंट जो पेपरों में आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बंगाल का जो पहला शासक था दोस्तों वो था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो था उसने अंग्रेजों की तुलना करी थी मधुमक्खियों के साथ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों के साथ किसने की? तो वो करी थी अलीवर्दी खान ने। अगला क्वेश्चन देखें, अलीवर्दी खान के बाद में आता है अगला शासक सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो था, देखिए अलीवर्दी खान जो था वो अपने आप में एक पावरफुल शासक था, इतना पावरफुल सिराजुद्दौला नहीं था। सिराजुद्दौला के समय में एक घटना घटित होती है जिस घटना की डेट है 20 जून 1756। 20 जून 1756 को एक घटना होती है जिसका नाम है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना के बारे में मैं आपको बता दूं, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के 400 से अधिक सैनिकों को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया था, और जब दो तीन दिन बाद दरवाजा खोला था तो उसमें से मात्र 23 लोग ही जिंदे बचे। इसका बदला अंग्रेजों ने एक साल बाद 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध करके लिया। उन्होंने प्लासी का युद्ध किया, कब हुआ? 23 जून 1757 को। किस किसके बीच हुआ? अंग्रेज और सिराजुद्दौला। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव युद्ध में लड़ रहे थे और बंगाल के नवाब इधर सिराजुद्दौला। ठीक है, तो यहाँ परिणाम ये हुआ दोस्तों कि सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। इसके बाद 7 साल बाद 22 जून 1764 को एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और तीन शासकों के बीच होता है। शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ये सिराजुद्दौला नहीं था दोस्तों, ये था अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम। परिणाम स्वरूप इसमें मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है और ये दोनों शासक इधर उधर भाग जाते हैं, हार स्वीकार कर। तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 में होता है। इसके बाद में बंगाल का पूर्ण शासन अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है, पूरी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है और अंग्रेज बंगाल पर शासन करते हैं। यही छोटी सी वीडियो, तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।